दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। संसद में जिस तरीके से बसपा नेता को बीजेपी नेता ने जिस तरीके से बोले, उसके बाद से लगातार उनको अब लोग कुछ ना कुछ बातें बता रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने उनसे मिले और उसके बाद से सियासत अब गर्म हो चुका है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता हैं वैभव त्रिपाठी। वैभव जी, इस तरीके से आप सदन में जिस तरीके से बसपा नेता को और वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं उनको लेकर जिस तरीके से शब्द भाषा का प्रयोग किया, उसको लेकर क्या बताएं? देखिए, ये बहुत निंदनीय है और आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी को जाति भेद धर्म भेद के नाम पे, और वो भी संसद में किसी ने गाली गलौज की। ये भाजपा का मूल चरित्र है, जो संघ के लोग समुदाय विशेष के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। संघ के एक पदाधिकारी हैं जो कि कहते हैं पसमांदा मुस्लिम। अरे मुस्लिम है तो मुस्लिम है, एक मुस्लिम को गाली दोगे दूसरे मुस्लिम से वोट चाहिए तुमको, ये मुस्लिम सम्मेलन करा रहे हैं। मामला क्या है कि ये हमेशा से बांटो और राजनीति करो राज करो वाले नीति पे चलते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं। इन्होंने अंग्रेजों से मुखबिरी का पैसा लिया है, दलाली लिया है, संपत्तियां ली हैं, और किसकी करते थे? कांग्रेसियों की मुखबिरी करते थे, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के रणबांकुरे थे उनकी मुखबिरी करते थे, क्रांतिकारियों की मुखबिरी करते थे, और ये अंग्रेजों को मजबूती प्रदान करते थे। तो इनका देश के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो झूठ बोलते हैं। आप किसी से भी कहेंगे कि मोदी उसकी बात की बात ना करो यार, वो झूठ बोलता है। कब वो जुमला बोल देगा, कब बात कर लेगा, कब बात बोल के पलट जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। तो मोदी जी पे भरोसा कोई करता नहीं। जो उनके सांसद, अब एक और बड़ा तथ्य ये है कि पेपर प्ले कार्ड दिखाने पे संसद सदस्य को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन जो मौजूदा सभापति हैं, स्पीकर हैं लोकसभा के, वो कहते हैं हमने उनको कहा है, चेतावनी दी है। क्यों ये दोहरा रवैया? क्यों? ये जनता का सवाल है। मैं सभापति जी के ऊपर टिप्पणी वैसे नहीं कर रहा, लेकिन जनता के बीच में जो सवाल है वो ये है कि अधीर रंजन चौधरी को, जो कि विपक्ष का नेता सदन है, आप उनको सस्पेंड कर देते पूरे सेशन के लिए, लेकिन भाजपा का एक अभद्र चरित्र का, विकृत मानसिकता का सांसद विधुड़ी, उसको आप चेतावनी देते हैं? ये बात समझ नहीं आती है। जनता ये कह रही है कि आखिर ये कैसा दोहरा रवैया है, और अगर ऐसे संसद के अध्यक्ष करेंगे तो क्या आप इस बात को सोच सकते हैं कि न्याय हो रहा है? तो सत्ताधारी दल भाजपा का अहंकार चरम पे है। जनता इस बात के लिए भी कह रही है कि जनता में गरीबों का घर चलाना मुश्किल हो गया है, लेकिन सरकार क्या कह रही है? चंद्रमा पे पहुंच गए। चंद्रमा पे पहुंच गए ये अच्छी चीज है, देश के लिए सम्मान की बात है, लेकिन उसके लिए इसरो का निर्माण करने वाली कांग्रेस को क्रेडिट जाता है, उन वैज्ञानिकों को जाता है जिन्होंने अथक परिश्रम करके 2 साल में 3 साल में उस मिशन को सफल किया। अच्छा, लेकिन नहीं, वो ठीक है, जो किसान बात है, नहीं एक चीज बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं, वो नहीं करना है ना, कार्रवाई नहीं करना। देखिए, ये गाली गलौज, अभद्रता, देश में वैमनस्यता फैलाना, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक दंगे करवाना, ये भाजपा का मूल चरित्र है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी नींव रखी अपने इस सरकार में। साध्वी प्रज्ञा ने जब गांधी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर, उसके बाद उन्होंने क्या कहा? मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, लेकिन टिकट साध्वी प्रज्ञा को दूंगा। मामला क्या है? ये कहते हैं बहुत चालबाजी है, कहते हैं कि चोर से कहो चोरी करो और बाकी से कहो जागते रहो, ये वो वाली बात है। पीछे कहते हैं साध्वी प्रज्ञा बहुत सही, गांधी को गाली दिया है। तो मोदी जी स्वयं गांधी विरोधी हैं, वो एक्टिंग करते हैं कि गांधी को हम मानते हैं, अन्यथा गांधी को अगर वो मानते तो गांधी भी उसी गुजरात से थे, तो गांधी को अगर मानते तो सत्य और अहिंसा की बात
करते, झूठ ना बोलते, जनता से झूठे वादे ना करते। दूसरी बात यह है कि जब साध्वी प्रज्ञा को आपने कार्रवाई नहीं की तो आपके पूरे संगठन में और पूरे आपकी जो भाट दरबारी मंडली है उसको ये पूरा संदेश आपने दिया कि आप गांधी को गाली दीजिए, गोडसे को, सावरकर को महिमा मंडित कीजिए, हम आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, आप मुस्लिमों को गाली दीजिए, मुस्लिमों के खिलाफ माहौल बनाइए, ये संदेश अच्छा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ठीक है, एक्चुअली बताइए कि जिस तरीके से ये घटना घटी है उसको लेकर आपको लगता है कि 2024 में मुस्लिम समुदाय भाजपा के साथ रहेंगे? देखिए, मुस्लिम समुदाय के हकों की रक्षा आप कीजिए ना, क्या आपने मुस्लिम समुदाय को हक दिया? छोड़ दीजिए मुस्लिम समुदाय नहीं, क्या आपने गरीबों को उनका हक दिया? गरीब आदमी का जीवन स्तर ऊंचा हो सके इसके लिए आपने कुछ किया? मैं सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं करता, हिंदू भी गरीब है, दलित भी गरीब है, पिछड़ा भी है, लेकिन आपने क्या किया? आपने ये किया कि गरीबों के हक पे डाका डालो, गरीबों से टैक्स वसूलो और अमीरों को बांट दो, अमीरों का कर्जा माफ़ कर दो। एक, मैं बड़ा आत्मिक रूप से दुखी हूँ, एक गरीब ब्राह्मण जिनका लोन एक खराब हो गया, उनके बच्चे का बीटेक में एडमिशन हुआ, बेचारे किसी तरह से दिए, लोन पास नहीं हुआ। जब लोन पास नहीं हुआ तो वो परीक्षा से बच्चे को हटाया जा रहा है, लेकिन इस सरकार में उस गरीब व्यक्ति को लोन नहीं मिलेगा क्योंकि उसने कुछ किस्तें नहीं जमा की और सिविल खराब हो गया। लेकिन जो अडानी लाखों करोड़ रुपए लेके खा गया उसका लोन राइट ऑफ होगा और उस अमीर आदमी को फिर से हजारों लाखों करोड़ का लोन दे दिया जाएगा। ये किया है मोदी जी ने। तो गरीब आदमी का लोन नहीं मिलेगा, 50,000 का आप लोन ले लीजिए, अगर एक किस्त नहीं दिए तो आपका सिविल खराब होगा और आपको आगे कोई लोन नहीं मिलेगा, लेकिन अडानी, अंबानी, माल्या, इन सबको मिलेगा। तो मामला क्या है कि इस सरकार में गरीबों के हकों पे डाका डाला है और गरीबों से जो पेट्रोलियम पे टैक्स था मात्र 18%, उसको 42-45% किया गया, वो वसूला गया टैक्स के रूप में और वो सारा पैसा अडानी अंबानी जैसे लोगों को दिया गया। तो ये सरकार गरीबों के हक पे डाका डालती है, ये हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, लेकिन जनता कहती है कि ये अगला चुनाव जो होगा वो अमीर और गरीब का होगा, हक की लड़ाई होगी, जितने दलित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक हैं ये सब एक हो रहे हैं। मोदी जी अकबकाने लगे हैं, मोदी जी को ये समझ नहीं आ रहा है कि जिस वोट के बिखराव से मैं जीतता था इस बार तो वो सारा वोट एक जगह इकट्ठा हो रहा है, इसी वजह से वो गोदी मीडिया के माध्यम से वो अलग अलग बातें कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। इतनी बेशर्मी से कह देते हैं कि हमने महिला आरक्षण दिया, महिला आरक्षण के खिलाफ इन्होंने काम किया, महिला आरक्षण में दो क्लॉज डाल दिए, सेंसस प्लस डिलिमिटेशन, परिसीमन, और वो सेंसस कब होगा? आपकी बातें हमारी बातें उस पे हो रही थी, दानिश अली पे बात हो रही थी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, बड़ी बेशर्मी से मोदी जी कह देते हैं कि हमने महिला आरक्षण दिया। ठीक है, महिला आरक्षण आप देख रहे थे, कांग्रेस नेता वैभव त्रिपाठी थे जो दानिश अली बसपा के नेता हैं और इस तरीके से भाजपा नेता ने उन्हें अपशब्द बोलने के बाद अपनी बातें ये रखे हैं। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।